जोधपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दीपावली की रात कथित रूप से काला जादू और तंत्र मंत्र के लिए 7 साल की एक दलित लड़की की हत्या से पहले उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि इस वारदात के मामले में पकड़े गए अंकुल कुलीम जो कि 20 वर्षीय हैं और बरीन जो कि 31 वर्षीय नामक व्यक्तियों ने पुलिस को जानकारी दी है कि उन्होंने बच्ची से सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने बच्ची का लिवर निकाल कर मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम को दे दिए थे। पुरुषोत्तम को काला जादू करने के लिए इन अंगों की जरूरत थी। श्रीवास्तव ने बताया कि पुरुषोत्तम को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था जबकि उसकी पत्नी को वारदात में शामिल होने की आशंका के आधार पर हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम ने शुरू में पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारा सच उगल दिया और कहा कि उसकी शादी सन 1999 में हो गई थी लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। श्रीवास्तव के मुताबिक पुरुषोत्तम ने बताया कि उसकी औलाद हासिल करने के लिए काला जादू करने की सलाह दी गई थी। इसके लिए किसी बच्चे के लीवर की जरूरत थी इसलिए उसने अपने भतीजे अंकुल और उसके मित्र बीरन को अपने पड़ोसी बच्ची अगवा करने के लिए तैयार किया था। पुलिस उप महानिरीक्षक DIG डॉक्टर प्रविंदर सिंह ने बताया कि घटना पूर्व कोतवाली क्षेत्र के गांव के रहने वाले परिवार शनिवार को दीपावली की पूजा की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक उनकी 6 वर्षीय बेटी लापता हो गई। उन्होंने बताया कि परिजनों को जब बेटी नहीं दिखी तो उसकी तलाश शुरू हो गई और रविवार सुबह मंदिर के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने बच्ची का शव देखा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लड़की के शरीर पर लगे चोट के निशान से पता चलता है कि उसकी हत्या धारदार हथियार से की गई है। लड़की के हाथ पर पैर में रंग लगा था और एक चप्पल और कपड़े समेत उसका सामान भी पेड़ के पास से बरामद किया गया है। तंत्र मंत्र के लिए लड़की की हत्या के संदर्भ में DIG ने बताया कि इसकी पुष्टि के लिए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के फॉरेंसिक विशेषज्ञों और खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची की हत्या की घटना में अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने का निर्देश दिया है। आशीष की रिपोर्ट, AS News।